जस्टिस रंजन गोगोई देश के 46वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई को बतौर चीफ जस्टिस बुधवार को शपथ दिलाई। जस्टिस रंजन गोगोई का ध्यान 3 प्रमुख मुद्दों पर होगा, उनमें अयोध्या विवाद और असम में NRC शामिल हैं। जस्टिस गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक है और इस दौरान CJI कुछ काफी संवेदनशील मामलों की सुनवाई करेंगे। उनके सामने पहली चुनौती असम में NRC के संकलन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना होगा। अगली सुनवाई में वह फैसला करेंगे कि NRC ड्राइव में जिन लोगों के नाम छूटे हैं, उनकी नागरिकता के सबूत के तौर पर राशन कार्ड को मान्यता दी जाए या नहीं। पड़ोसी देशों से आकर अवैध तौर पर असम में रहने वालों की पहचान और उन्हें बाहर करने के उद्देश्य से बन रहे NRC के ड्राइव में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। NRC मामले को जो बेंच सुन रही है उसमें जस्टिस RF नरीमन भी शामिल है। बेंच NRC ड्राइव में जगह न बना पाने वाले लोगों के डिटेल को केंद्र के साथ शेयर करने से मना कर चुकी है।